यहीं पे पीछे है माता वैष्णवी देवी का मंदिर। जय माता दी, जय माता जी, बोलो सच्चे दरबार की जय। जिन्हें गुफा में जाने के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता वो यहाँ से दर्शन ले सकते हैं। कंदा माता, कुष्मंडा माता, करिश्मा का ये फेमस मैसूर डोसा है। जब भी करिश्मा यहाँ पे आती है तो यहाँ से ये मैसूर डोसा हमेशा खाती है और ये हमेशा टेस्टी होता है। कैसा लगा? जय माता जी, जय भवानी। हाय गाइस, वेलकम टू टी आर मुंबई कर यूट्यूब चैनल। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग ने मुंबई देवी दर्शन किए थे, तो आज हम लोग आए हैं मालाड में। प्रति वैष्णवी देवी का मंदिर है, मतलब जो कटरा में वैष्णवी देवी का मंदिर है उसकी ये प्रतिकृति है, तो आज हम लोग उसके दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बारे में आपको मैं अंदर पूरी डिटेल्स तो देने ही वाला हूँ। तो नवरात्रि में चालू रहने वाला मंदिर नहीं है, यहाँ पे साल के 365 दिन ये मंदिर चालू रहता है, तो इसके वजह से आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। पिछला व्लॉग था मुंबई देवी दर्शन का, वो आपको यहाँ कहीं पे तो ऊपर आई बटन के लिंक में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रति वैष्णवी। मालाड का रेलवे स्टेशन, मालाड इससे जब आप इस ब्रिज से उतर के आएंगे तो ये जंबो किंग के बाजू से आपको निकल के जाना है। स्टेशन से जब भी आते हो तो यहाँ से पहली गली है, सुरभि करके लिखा है यहाँ पे पहली गली, उसके आगे दूसरी गली और तीसरी गली में वैष्णवी माता जी का मंदिर। स्टेशन की तरफ से जब आप भी आते हो तो आपको तीसरे गली में से अंदर जाना है। उसके लिए आप यहाँ पे पारस मेडिकल करके है, जब भी दिखेगा वहाँ से आपको अंदर ले टर्न मारना है। यहीं पे पीछे है माता वैष्णवी देवी का मंदिर, जो प्रति वैष्णवी देवी माता जी का मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे गौमुख है, यहाँ पे आप पानी वगैरह हाथ से मतलब दे सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे स्टैंड है, चप्पल स्टैंड, यहाँ पे आप चप्पल निकाल सकते हो। यहाँ पर अंदर आप बैग वगैरह रख सकते हो। मैंने बैग के अंदर मेरा वॉलेट और मेरा बेल्ट मैंने बैग के अंदर रख दिया है, क्योंकि अंदर कोई भी चमड़े की वस्तु ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप भी यही करें। यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पर आप मंदिर में पेड़ अभिषेक, पेड़ आरती एक दो व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, साथ ही में आपके वाहन की पूजा भी कर सकते हैं, जिनके प्राइजेस यहाँ पर लिखे हैं, जो कि रोज़ाना अलग है और स्पेशल दिन पर अलग होते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप ये सब पढ़ सकते हैं। और नवरात्रि की वजह से यहाँ पे फुल डेकोरेशन किया है, और यहाँ पे अंदर नारियल अलाउड नहीं है लेके जाना। यहाँ माता वैष्णवी दिव्य धाम में आरती का समय हर सुबह और शाम को 7:15 बजे का होता है। लोगों के लिए दर्शन का समय सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक है, बस दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मंदिर बंद रहता है। माता के दोनों शरीरों को प्रणाम करके हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो लोग जम्मू कटरा में जाके माता वैष्णवी देवी के दर्शन नहीं ले सकते वो यहाँ पे आके दर्शन ले सकते हैं। इन्होंने पूरा पत्थर से बनाया है, ये एक्चुअली वैष्णवी देवी की प्रतिकृति है, तो वहाँ पर जैसा माहौल है जैसे हम लोग गुफा में से मतलब टनल में से अंदर जाते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है, मतलब उसी तरह से इसे बनाया गया है। बोलो जय माता दी, जय माता जी, बोलो सच्चे दरबार की।
की वजह से यहाँ पे आज थोड़ी बहुत भीड़ है। यहाँ पे छोटी गुफा है, यहाँ से जाना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर कोई मोटा व्यक्ति हो तो, लेकिन एक वैष्णव इधर का अनुभव देता है हमें। इस तरह से थोड़ा झुक के डाला होगा हमें, देखिए करिश्मा डाल रही है जिस तरह से। जय माता दी, प्रेम से बोलो। जय माता दी, माता दी, जय से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक रास्ता यहाँ से है गुफा का और एक रास्ता इधर से है। हाँ, यहाँ से भी आप आ सकते हो और यहाँ पे अंदर एंट्री है। एक्चुअली यहाँ से नहीं, थोड़ी घूम के एंट्री है। आले क्या है? जिन्हें गुफा में झुक के जाना पॉसिबल नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहीं से जाना अलाउड है। मंदिर के अंदर फूलों और लाइटिंग की बहुत ही बढ़िया सजावट की है। देखिए यहाँ पे मस्त डेकोरेशन किया है और ये बनाया है उन्होंने, और यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ माता रानी का शेर भी है, उनके दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। वैष्णवी देवी में जैसे गुफा है वैसे इसी तरह से यहाँ पे भी एक छोटी गुफा है, उसके अंदर से हमें जाना है अभी। गुफा के जस्ट बाजू में अखंड ज्योति भी है जो दिन रात जलती रहती है। यहाँ गुफा का द्वार बहुत ही छोटा है तो आते टाइम संभल के आइए। ही छोटी गुफा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी बह रहा है जिससे आपके पैर साफ होते होते आप अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए नीचे पानी है तो इससे आपके पैर साफ रहते हैं हमेशा, क्योंकि वैष्णवी माता कटरा मंदिर में भी गुफा में से पानी बहता रहता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन किया है मंदिर में, जहाँ पे पुजारी जी खड़े हैं वहाँ पे गणेश जी है और उनके बाजू में है हनुमान जी। यहाँ पर आप वैष्णवी माता जी के तीन रूपों के दर्शन कर सकते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। वैसे मंदिर में फोटोज़ और वीडियोज़ चलाना अलाउड नहीं है तो मैंने भी वीडियोज़ नहीं निकाले, लेकिन कुछ पिछले साल मैंने फ़ोटोज़ खींची थी उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप माता के दर्शन ले सकते हैं। यहाँ शिव जी का परिवार भी है, आप देख सकते हो गणेश जी, कार्तिकेय जी और माँ गौरी जी। शिव जी के मंदिर के बाजू में ही है श्री नाकोड़ा भैरवनाथ जी का भी मंदिर, उनके भी दर्शन करते हैं। यहाँ से अभी ऊपर जाना है। ये सब POP से बनाया हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर जिस तरह से आपको हाथ लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा इतना, थोड़ा पत्थर और थोड़ा POP ऐसा मिक्स बनाया इन्होंने। कुछ लोगों ने इस पर अपने नाम लिख के अपनी कलाकृति दिखाई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बाबा भैरवनाथ और वीर हनुमान जी। कहते हैं बाबा भैरवनाथ जी के आशीर्वाद के बिना या उनके दर्शन के बिना माता वैष्णवी देवी का दर्शन अधूरा है, तो उनके और अखंड ज्योति के भी दर्शन करते हैं। मालाडीश में स्थित माता वैष्णवी देवी धाम से जुड़ी माता की एक सुंदर कहानी है जो कि 5 लोगों से जुड़ी है, जिनमें है गिरीश शाह, जगदीश खक्कड़, किशोर वर्मा, अनिल हिंगल और हसमुख सेठ। यह 5 इस मंदिर के संस्थापक है।
इस मंदिर के बनने से पहले से ही ये लोग मालाड से जम्मू कटरा के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा निकाला करते थे। 1999 में भी उन्होंने यात्रा आयोजन की और खुद भी यात्रा में माता के दर्शन करके आए और दर्शन के तुरंत बाद उनको सपने में माता स्वयं आई और उन्होंने कहा यहाँ मालाड़ में उनके मंदिर की स्थापना की जाए और उन्हें सपने में माता ने मंदिर के लिए जगह भी दिखाई। यही वो जगह है जहाँ पे 7 फरवरी 2001 को माता के इस मंदिर का काम पूरा हुआ और ये लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला हो गया। यहाँ मंदिर में आप सभी प्रकार के देवों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नीचे माता के नव दुर्गा रूप का मंदिर भी है। माता का पहला रूप माता शैलीपुत्री, माता का दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी, माता का तीसरा रूप माता चंद्रघंटा, माता का चौथा रूप माता कुष्मंडा, माता का पांचवा रूप माता स्कंद माता, माता का छठा रूप माता कात्यायनी, माता का सातवां रूप माता कालरात्रि, चंडमंड राक्षसों को मारने वाली चामुंडा देवी भी यहाँ पे है। माता का आठवां रूप माता महागौरी और माता का नौवां रूप माता सिद्धिदात्री। और यहाँ पे माता का एक रौद्र रूप भी है जिसे महाकाली कहा जाता है। इस तरह से इस मंदिर में आप माता के हर रूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हवन की तैयारी चालू है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेके निकास द्वार तक हर द्वार पे फूलों की बहुत ही अच्छी सजावट की है। मंदिर में मंदिर के इन 5 संस्थापकों के नाम लिखे जिन्हें मैंने आपको पहले बताए थे। यह मंदिर माता वैष्णवी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के नाम से स्थापित है। यह ट्रस्ट लोगों के लिए हर साल मुंबई मालाड से माता वैष्णवी देवी कटरा के लिए यात्रा निकालते हैं। वैष्णवी माता जी के दर्शन के बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लगी तो हम यहाँ पे डोसा खाने चले आए। यहाँ पर हमने मैसूर मसाला डोसा का ऑर्डर दिया है जो कि बन रहा है आपकी आँखों के सामने। इन्होंने पहले प्लेन सा डोसा बनाया, उसके ऊपर बटर डाला, फिर उसके ऊपर प्याज डाला, अब उस पर जा रहा है टोमेटो, फिर उस पर जाएगी आलू की सब्जी, उसके साथ साथी में रेड चटनी, थोड़ा बहुत नमक, फिर उस पर जाएगा कद्दूकस किया हुआ बीट रूट। फिर उस पर जाएगा थोड़ा बहुत धनिया। डोसा को बनते देखते हुए मुंह में पानी सा आने लगा है। अब उस पर जा रहे हैं कुछ मसाले उनके। करिश्मा का ये फेमस मैसूर डोसा है। जब भी करिश्मा यहाँ पे आती है तो यहाँ से ये मैसूर डोसा हमेशा खाती है और ये हमेशा टेस्टी होता है। ये देखिए सिद्धिविनायक राजू इडली डोसा सेंटर, अगर आपको आना है तो यहीं पे आना है और यहीं से डोसा खाना है। मैसूर डोसा मालाड का बहुत ही फेमस मैसूर डोसा है ये, और राजू भी इन्हीं का नाम है। मैसूर डोसा लीजिए और सब्जी अलग से लीजिए। अब प्लेट में सब्जी अलग से निकाली गई है और डोसे को थोड़ा बहुत क्रिस्पी किया जाएगा और सब्जी के ऊपर डाला जाएगा थोड़ा बहुत बटर। ये देखिए डोसा हमारा क्रिस्पी हो रहा है और सब्जी पे डाल दिया है बटर। सब्जी अलग लेने से आपको डोसा थोड़ा मेसी नहीं होगा और साथ में सांभर भी और चटनी भी मिलेगी। ये आ गया हमारा मैसूर डोसा, बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी करिश्मा टेस्ट करके बताएगी। वैसे तो हम लोग को टेस्ट पता ही है
इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी कैसा लगा? तो चलो अभी डोसा ख़त्म करते हैं और बाद में मिलते हैं। ये देखिए सब्जी में बटर देखिए, और डोसा भी एकदम क्रिस्पी सा है। चलिए डोसा ख़त्म करके बाद में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे है वैष्णवी माता जी का मंदिर, और ये रहा कैनरा बैंक, और इसके जस्ट सामने ही है इनका ये और डोसा सेंटर। तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। आपका एक बार टाइमिंग बता देंगे कितने बजे से कितने बजे रहता है? 8 बजे लेकर रात को 11 बजे। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और कभी बंद नहीं रहता ना? बंद रहता है 2 हफ्ते में, 15 दिन में। अच्छा 15 दिन में एक ही बार, एक मंडे छोड़ के दूसरा मंडे छोड़। अच्छा मतलब एक मंडे छोड़ के एक मंडे, ओके ओके चलेगा। ये इनका ना नीचे व्हाट्सएप नंबर और नंबर दिया है, जिसमें आप पार्टी के लिए या वेडिंग में जो भी ऑर्डर्स देना हो तो आप इस पे दे सकते हैं। और ये जो लास्ट में 621 है ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे कॉन्टैक्ट कर दीजिए। इस पे भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर है उनका, जिससे मतलब आपको ऑर्डर देने में आसानी पड़ सकती है। तो अभी अभी हम लोग जाके प्रतिमाता वैष्णवी देवी के मंदिर में दर्शन करके आए, तो दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हुआ और मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। तो अंदर आपने जो भी देखा वो वैष्णवी देवी कटरा मंदिर जो है उसकी ये प्रतिकृति है। तो ये वीडियो में बस यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। जो भी वैष्णवी माता मंदिर कटरा में नहीं जा सकते वो यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन के लिए, इसीलिए आप उनको ये वीडियो पहुँचाएं और उनको भी यहाँ पे आके दर्शन लेने का मौका मिले। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय माता दी, जय अम्बे, जय भवानी।